साथियों, मैं समझ चाहता हूं कि जो समय शैलेन जी ने हमने तय किया था उससे बहुत देर के बाद हम आपके बीच आज पहुंचे हैं। और इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से पुनः एक बार फिर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनको याद करना चाहता हूं। आज सुबह सुबह ये दुखद समाचार हम लोगों को मिला जयपुर में कि मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। काफी लंबे समय से वो बीमार थे, देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 80-90 के दशक में देश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ देने का काम उन्होंने किया। जिस पार्टी का निर्माण उन्होंने किया उसकी सरकार कई बार उत्तर प्रदेश में बनी और समाजवाद को एक नई पहचान देने का काम किया। मेरा सौभाग्य था कि मैं संसद में कई सालों तक उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनके जाने से हम सबको, ना सिर्फ यादव समाज को या सिर्फ हम लोगों को, लेकिन देश में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं और हर दल हर विचारधारा किसी ना किसी के प्रतीक होता है। उन्होंने इस देश की राजनीति में जो स्थान बनाया था और जिस मेहनत से मुद्दों को, गरीब और किसानों के मुद्दों को उठाया था, उसका आज हम स्मरण करते हैं। उनके जाने से अभूतपूर्व क्षति, ये क्षति सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हम सब लोगों को, और ऐसा संयोग है कि आज यादव समाज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था, शैलेन जी ने रखा था। आज इस मौके पर मैं उनको याद करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और हमारे चूरू से विधायक रहे स्वर्गीय मोहनलाल शर्मा जी, उनका भी कल देहांत हुआ। वो 6-7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और उनके साथ विधानसभा में मुझे काम करने का मौका मिला। वो उम्र के बावजूद भी बहुत जुझारू थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में जो पकड़ बनाई थी वो राजनीति में एक ऐसा उदाहरण है जिससे हम सबको सीखना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क अपने मतदाताओं से, उस क्षेत्र के लोगों से, इलाके से लगातार बनाकर रखा और उनके जाने से भी हम लोगों को आज बहुत दुख है। तो मैं लोगों के लिए अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि अपने चरणों में इनकी दोनों की आत्मा को जगह प्रभु देंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मुझे शैलेन जी ने कहा कि हमारे समाज में जो लोग आगे काम कर रहे हैं उनको सम्मानित हम करना चाहते हैं और ये कार्यक्रम झालावाड़ में करना चाह रहे थे। मुझे भी लगा कि जैसा किसी ने पहले बोला कि लगभग 3.5-4 साल हो गए मेरे को आपके बीच में आए, लेकिन ये बात मैंने पहले बोली पाटन में और आज आपके सामने बोल रहा हूँ कि मैं इस 3-3.5 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान, यहाँ की 3600 कौम के अंदर जो हमारे प्रति प्यार था वो 4 गुना बढ़ गया है, जहाँ पहले था वो 4 गुना बढ़ गया है। और मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ भारत की इस धरती ने, झालावाड़ ने, कोटा, बारा, बूंदी, इस पूरे इलाके के यहाँ के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया। मुझे याद है जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी यहाँ मुख्यमंत्री थी, तो हमारे सोयाबीन के किसान, सरसों के किसान, किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था और हमने एक बीड़ा उठाया कि बारा से झालावाड़ हम एक पैदल यात्रा करेंगे, एक किसान न्याय यात्रा निकालेंगे। मुझे भली भांति याद है वो यात्रा जब निकाली थी हम लोगों ने तो अपार जन समर्थन हमारे साथ आया, हमारे पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन लोगों ने देखा कि वो दल है, ये वो नेता है जो हमारे साथ खड़ा होना जानते हैं। हमने किसानों के राज को उठाया, हमारी मांगों को मनवाया। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, लेकिन बावजूद उसके हमारे बहुत से साथी आज मंच पर बैठे जिन्होंने उस समय में जब सरकार होती है, सत्ता होती है तो बहुत से लोग साथ देते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सरकार के, शासन के, प्रशासन के, पुलिस के बल और डंडे के बावजूद
जिन कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर संघर्ष किया, आज उनको सलाम करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद पुनः करना चाहता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं आज देश में कोई आम चुनाव नहीं है, 2024 में चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने एक सोच को लेकर इस देश में, तो मैं तो कहता हूं आजाद भारत में इस प्रकार की यात्रा अगर किसी ने निकाली है तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने निकाली है, जिसके शुभारंभ में कन्याकुमारी में हम लोग गए थे। आप सब जानते हो भारत जोड़ो जो यात्रा निकल रही है वो किसी के खिलाफ नहीं, वो पक्ष में है, वो लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ाने के पक्ष में है, वो किसानों को न्याय दिलाने के पक्ष में है, वो बेरोजगारी को खत्म करने के पक्ष में है, वो आसमान छूती महंगाई को खत्म करने के पक्ष में है। आपस में जो द्वेष की भावना बढ़ गई है, जो टकराव पैदा हो गया है, जो आपस में सामाजिक एक टेंशन पैदा करने का काम जो ताकतें करती हैं वो उसके विरोध में है, और आपस में अमन प्रेम भाईचारा बढ़ाने के पक्ष में है। अपार समर्थन उस यात्रा को मिल रहा है। मैं चलकर आया था राहुल जी के साथ केरल में, कुछ दिन पहले लगातार बारिश पड़ रही थी, लेकिन मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम सब साथ खड़े हैं, हम संघर्ष करेंगे, न्याय दिलाएंगे लोगों को, और हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं जिनको 60 दशक तक हमने पोषित किया, अलग अलग सरकारें रही लेकिन कभी उन संस्थाओं को आज नहीं आने दी, आज उन सब संस्थाओं को खोखला करने का जो काम कर रहे हैं, उनको चुनौती देने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए कोई नहीं चल रहा, कोई लंबे लंबे भाषण नहीं हो रहे, लेकिन देश में आम जनता के बीच संदेश लेकर वो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस यात्रा का ये असर पड़ रहा है कि लगातार हमारे जो साथी जो दिल्ली में सरकार को चलाते हैं वो घबरा रहे हैं कि हमने बहुत वादे कर दिए, बहुत जुमले दे दिए, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे हैं, 15 लाख हर एक के खाते में पहुंचा दिए, किसान की आमदनी दुगनी कर दी, काला धन समाप्त कर दिया, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, 8 साल हो गए। सवाल तो पूछना पड़ता है, और सवाल पूछने के लिए हम हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत है, जनता के हाथ में सत्ता की चाबी होती है। अलग अलग लोगों को जोड़कर जो व्यक्ति चलते हैं, जो नेता चलते हैं, जो विचारधारा चलती है, जो पार्टियां चलती हैं, उसको लोग पसंद करते हैं। आज यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम में हम सब लोगों को सम्मानित किया, ये योगेंद्र यादव जी बैठे यहाँ पर, जो मार्मिक इन्होंने कथा सुनाई है, जो उनके साथ बीती, वर्दी पहनकर इंसान अगर दुश्मन की गोली सीने में खा रहा है, सांस अटक रही है, लेकिन तिरंगा झंडा गाड़ के चोटी पर जो आया है वो किसी एक समाज के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक प्रदेश एक जिले घर के लिए नहीं कर रहा है, वो 130 करोड़ वासियों के लिए कर रहे हैं। अपनी जान हथेली पर लेकर सरहद पे बर्फ में, तूफान में, गर्मी में गोलियां बरस रही हैं, और हमारे सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं, वो किसी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी नेता के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने कुर्मे के लिए लड़ रहे हैं, अपने गोत्र के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, ना वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ना वो जाति के लिए लड़ रहे हैं, वो इस देश की मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। इस देश की मिट्टी में सबका योगदान है, हजारों साल पुराना हमारा ये देश है, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा संस्कार सबको साथ रखना सिखाता है। अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में वो क्या भाषण देते हैं, लोगों के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को आपस में टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं, नाना प्रकार के मुद्दों का रोज टीवी चैनल में, अखबारों में देखता हूं मैं, कोई सर पैर नहीं। नींबू बकरा 150 रुपए किलो, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल कर लाते हैं, लोगों का ध्यान और दिमाग उसी दिशा में रहता है, लेकिन ये भ्रम जाल फैलाने वाली जो कोशिश है ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। धरातल पर आना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे, जनता के लिए काम करना पड़ेगा, किसानों को न्याय दिलाना पड़ेगा, और ये जुमलेबाजी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है।
आज देश में जो हालात हैं आपसे छुपे नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज जो किसान 4-5 बीघे में खेती करता है वो अपने 2 बच्चों को कैसे पालेगा, स्कूल की वर्दी कैसे लेगा, फीस कैसे भरेगा, फल फूल साग सब्जी कैसे लेगा, बच्चों को कॉलेज कैसे पढ़ाएगा, और जो पढ़ लिए बेचारे बच्चे नौजवान लड़के लड़कियां उनको नौकरी हासिल नहीं हो रही है। तो अर्थव्यवस्था को ऐसा समेट कर रख दिया, उन सब लोगों के खिलाफ भी हम लोगों को अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। साथियों, आज मैं कोटा से जब झालावाड़ आ रहा था, समय बहुत लगता गया, लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, और मैं देख रहा था इतने सारे हमारे साथी और खासकर हमारे नौजवान लड़के लड़कियां सब मिलने के लिए, मान सम्मान करने के लिए खड़े थे। हर जगह मैं रुका, मैंने उनसे बातें की और उनका जो सम्मान उसको स्वीकार किया। कहीं धूप पड़ रही थी, बीच में बारिश पड़ गई, घंटों लोगों ने इंतजार किया। लेकिन इंसान की अगर कोई पूंजी है, वो पूंजी है कि लोगों के दिल और दिमाग में आप क्या छाप छोड़कर जाते हो। मैंने अपने जीवन में देखा है, इस देश का आम नागरिक, इस प्रदेश का आम मतदाता क्या आपके बारे में सोचता है, और आप अगर एक अमिट छाप उसके जहन में छोड़कर जाते हो, उससे बड़ी कमाई कोई और नहीं है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, जहां जहां मुझे मिलने का, बोलने का, जाने का मौका मिलता है, आप सब लोगों का असीम प्रेम और प्यार मुझे मिला है। और आज भी मैं बहुत घंटों के विलंब के बाद आपके बीच में आया हूं, लेकिन इस बात का वादा करके जाता हूं कि अगली बार की देरी नहीं करूंगा। अभी 3 साल का समय लग गया, इसमें कोरोना काल आ गया था, आना जाना बहुत कम हुआ। अब सारे तीज त्यौहार दोबारा चालू हो गए, दिवाली भी आने वाली है, दशहरा भी होकर गया है, बहुत सारे त्यौहार आएंगे। इस शुभ अवसर पर शैलेंद्र यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने मुझे ऐसे बुला लिया, इनको नहीं पता था मैं हाँ कर दूंगा। उन्होंने कहा सचिन जी प्रोग्राम करने था, मैंने कहा आप तैयारी करो मैं आता हूं, दिन बताओ और समय बताओ। मेरा मन था सब लोगों से मिलने का था, और जो प्रतिभाएं हैं अलग अलग समाजों से, खासकर नौजवान साथी, उनको प्रेरणा देना चाहते हैं, उनके पीठ थपथपाना चाहते हैं। हमने कोई बहुत उनको कीमती तोहफे नहीं दिए, लेकिन आप सबके सामने यहाँ पर उनकी पहचान हुई है, उनको पुरस्कारित किया, उनका मनोबल बढ़ाया, और इसी प्रकार की प्रेरणा नौजवानों को देनी चाहिए। अपार संभावनाएं नौजवानों के अंदर हैं, उनको तलाशना, उनको सही दिशा देना, उनको सही रास्ते पर लेकर जाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, और खासकर वो लोग जो राजनीति में हैं। राजनीति में जो लोग हैं, चाहे वो पक्ष में विपक्ष में हो, इस देश की दिशा और दशा वो लोग तय करते हैं। इसलिए राजनीति में भी अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, सच्चे लोग, जमीन से जुड़े लोग, अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तियों को अगर हम राजनीति में लेकर आएंगे, मैं समझता हूँ प्रदेश और देश का भला होगा। आप सबने बहुत मान सम्मान किया और मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं एक बार पुनः तमाम उन साथियों को दोबारा शुभकामना देना चाहता हूँ जिन्होंने ये आज पुरस्कार हमारे हाथों से लिया, और शैलेंद्र जी का, इनके तमाम साथियों का, समाज के सभी बंधुओं का, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं करता, पूरी टीम साथ लगती है। आपने इस कार्यक्रम का आयोजित किया, मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरी बात को सुना, और आप लोगों ने भी यहाँ मुझे जो प्यार दिया, और योगेंद्र यादव जी ने जो बातें बोली, मैं सुन रहा था, मैं समझ सकता हूँ, एक फौजी जब एक बात बोलते हैं तो वो लोगों के गले में उतरती है, और आपने जिस वीरता के साथ लहूलुहान होने के बावजूद दुश्मन के चुनौती को स्वीकारा, अपनी जान की परवाह किया बिने आपने सब लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखा। आप सोच नहीं सकते कि यहाँ जितने लोग बैठे आपकी बात को सुन रहे थे वो कितने कायल हैं आपके, और जीवन भर आपके हमारी रहेंगे। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ, और इस मौके पर आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। अब मैं मनीष जी यादव से आग्रह करूंगा कि आए और सभी अतिथि
आभार भाई सर। माननीय सचिन पायलट जी का यादव समाज के इस मंच पर हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने यहां समय देकर के समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया और राजस्थान के नौजवान बुजुर्ग किसान मजदूर की आवाज आदरणीय सचिन पायलट जी राजस्थान की राजनीति में हमेशा नौजवान किसान और मजदूर की आवाज को उठाते रहे। हमेशा हम सब लोग मिलकर के आपके साथ लगकर के इस संघर्ष को जितना मजबूती के साथ उठा सकते हैं हम सब लोग साथ रह करके इस बात की शपथ लेते हैं। और आदरणीय पायलट साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में पुनः आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह